आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, प्रकृति के पिटारे में इतनी सारी औषधियां हैं जिनका इंसान उपयोग नहीं करता। सामान्य सी दिखने वाली चीज, हर जगह मिलने वाली औषधि आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियों को चुटकियों में खत्म करने की सामर्थ्य रखती है। आज हम प्रकृति के पिटारे से एक औषधि ऐसी लाए हैं जो आपके बवासीर, भगंदर, मलद्वार का बाहर निकलना, अंडकोश जैसी बीमारियों को 7 दिन में ठीक करने की क्षमता और ताकत रखती है। तो बिना पहेली बुझाए सीधा ये वीडियो देखते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, एक अजीब सी बीमारी होती है मलद्वार का बाहर निकलना। ये कई कारणों से होती है। कब्ज हो तो मल त्यागते समय व्यक्ति जोर लगाता है। लगातार पेट साफ करने वाली दवाएं खाने से भी मलद्वार बाहर निकल जाता है। बवासीर और भगंदर में तो ऐसा ही हो जाता है। खैर, किसी भी कारण से मलद्वार बाहर निकलता है तो आप माजू फल की शरण में जाइए। एक गिलास पानी में एक माजू फल पीस कर डालिए, फिर इसे पकाइए। 10 मिनट उबलने के बाद उतार कर ठंडा कीजिए और इसी पानी से मलद्वार की धुलाई कीजिए। बवासीर के मसों का दर्द, भगंदर का दर्द और मलद्वार का बाहर निकलना, तीनों में आराम मिलेगा। ये क्रिया 5 से 6 दिनों तक लगातार कीजिए। मलद्वार से संबंधित एक बीमारी है गुदा भ्रंश। ये बच्चों में ज्यादा होती है। इसके लिए आप आधा चम्मच फिटकरी लीजिए, इसको भूनकर चूर्ण बनाइए और फिर 2 माजू फल पीस कर चूर्ण बना लीजिए। अब दोनों के चूर्ण को 100 ग्राम पानी में मिलाइए। दवा तैयार है। अब इस दवा में रुई का मोटा टुकड़ा भिगोए और गुदा पर बांध दीजिए। ये क्रिया आपको 10 से 15 दिन करनी पड़ सकती है। जितना पुराना रोग होगा उतना ही अधिक समय में ये ठीक होगा, लेकिन ठीक अवश्य हो जाएगा। अगर अंडकोश में पानी भर गया है तो क्या करेंगे? दोस्तों, आप जानते हैं अंडकोश में पानी क्यों भरता है? दरअसल चोट लगने के कारण अक्सर सूजन आ जाती है और पानी भर जाता है। तो फिर आप माजू फल आपको इस बीमारी से उभरने में सहायता देगा। पानी भरने की दशा में 10 ग्राम माजू फल और 8 ग्राम फिटकरी पानी में महीन पीस कर पेस्ट बना लीजिए और अंडकोश पर लेप करके 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सादे पानी से धो लीजिए। कम से कम 21 दिन ये काम करने से पानी सूख जाएगा। अगर सूजन हो गई है तो 10-10 ग्राम माजू फल और अश्वगंधा लीजिए, पानी में पीस कर पेस्ट बनाइए, फिर थोड़ा गर्म कीजिए और सुहाता सा लेप करके कोई कपड़ा बांध लीजिए। 3-4 दिन में सूजन उतर जाएगी। अगर ल्यूकोरिया है तो माजू फल आपके लिए बहुत लाभकारी है। 1-1 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लीजिए 21 दिन तक। देखिए ल्यूकोरिया कैसे भागता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।